अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जी स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने शुगर इंडस्ट्री के सोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ शुगर को डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ शुगर। अब जिस तरह लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम शुगर को किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको शुगर केन को फील्ड से लेके इंडस्ट्री में जिस प्रोसेस से हम गुजारते हैं वो सारे स्टेप्स हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में और एंड पे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारे पास रॉ क्रिस्टल्स ऑफ शुगर ऑब्टेन होती थी और साथ में मोलेसेस हमारा बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था, मतलब हमारी प्रोडक्ट भी बन गई थी और बाय प्रोडक्ट्स भी बन गए थे। लेकिन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट बनाई थी उसकी रिफाइनिंग की अभी ज़रूरत थी, तो इसीलिए आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ शुगर। मींस जो हमारी रॉ क्रिस्टल्स शुगर की आई थी उनमें अभी कलर मौजूद था, तो उसके कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए और कुछ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमें उसकी प्योरीफिकेशन करवाना थी, उसकी रिफाइनिंग करवाना थी। तो आज हम रिफाइनिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अब रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस में हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ शुगर, इसमें फर्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो है एफिनिशन। इसको भी बाद में देखेंगे कि एफिनिशन क्या होती है। सेकंड स्टेप है मेल्टिंग, थर्ड स्टेप है क्लैरिफिकेशन। जिस तरह हमने रॉ शुगर मैन्युफैक्चरिंग में क्लैरिफिकेशन स्टेप किया था जिसमें हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट किया था फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ जूस, तो यहाँ भी हम क्रिस्टल्स की प्योरीफिकेशन के लिए क्लैरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो करवाएंगे। फोर्थ स्टेप है डिकलराइजेशन और चार फिल्ट्रेशन। अब डिकलराइजेशन क्या है, जो कलर उन क्रिस्टल्स में रह गया था उस कलर्स को रिमूव करने के लिए भी हम ये स्टेप फॉलो करेंगे और इस डिकलराइजेशन स्टेप को हम चार फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ तक हमारी रॉ शुगर की रिफाइनिंग भी कम्प्लीट हो जाती है। मीन्स हम शुगर केन जूस से शुगर को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसके कलर को रिमूव करने के बाद उसकी रिफाइनिंग करने के बाद उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में ले आते हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में शुगर इंडस्ट्री में, तो वो है ड्राइंग एंड पैकेजिंग। कि जब हमारी रॉ शुगर बिल्कुल प्रिपेयर हो गई, रेडी हो गई, तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसको जस्ट ड्राई करते हैं और उसको प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में लेके आते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस के ज़रिए से जब हम अब रिफाइनरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रिफाइनरी प्रोसेस हम रॉ शुगर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रॉ शुगर को मैन्युफैक्चर किया था रॉ शुगर केन जूस से रॉ शुगर क्रिस्टल्स हमने बनाए थे, लेकिन उसमें अभी भी कलरिंग मैटर मौजूद था और सुक्रोज कंटेंट्स अबाउट 97.8 समथिंग थे। इस रॉ शुगर को मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए, इसको क्लैरिफाई करने के लिए और इसमें से कलरिंग मैटर को रिमूव आउट करने के लिए इसे रिफाइनरी प्रोसेस में से गुजारा जाता है। तो फर्स्ट हम इसको रिफाइनिंग प्रोसेस के स्टेप्स में से गुजारते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इसका एफिनिशन है। इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे। एफिनिशन में से गुजारने के बाद इसको मेल्टिंग प्रोसेस में से गुजारा जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस में से गुजारने के बाद इसकी क्लैरिफिकेशन की जाती है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रैक्टेड जूस की क्लैरिफिकेशन की थी जिसमें हमने कार्बोनेशन सल्फाइटेशन प्रोसेसेस परफॉर्म किए थे और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट किया था, तो यहाँ पे हम रॉ शुगर क्रिस्टल्स की क्लैरिफिकेशन करवाते हैं। रॉ शुगर क्रिस्टल्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं और जो कलरिंग मैटर है उसको रिमूव करने के लिए हम इसको क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में से गुजारते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ जितनी होंगी वो क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में सेपरेट आउट हो जाती हैं और कुछ परसेंट कलरिंग मैटर जो है वो भी क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में सेपरेट आउट हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ कलर बाकी होता है जिसके लिए हम इसको डीकलराइजेशन स्टेप में से गुजारते हैं। अब डीकलराइजेशन स्टेप जैसे नेम से ही क्लियर है, डीकलराइज कर देता है और जितना इसमें कलरिंग मैटर होता है इसको ये रिमूव आउट कर देता है। इसी प्रोसेस का दूसरा नाम चार फिल्ट्रेशन भी है। तो यहाँ तक इस स्टेप तक गुजरने तक हमारा जो है रिफाइनिंग प्रोसेस वो कम्प्लीट हो जाता है। मीन्स हमारे पास ब्राउन कलर क्रिस्टल से वाइट कलर क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब अभी इस
इन क्रिस्टल्स के अंदर कुछ कंटेंट्स, वाटर मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हम इसको एवेपोरेशन स्टेप में से गुजारते हैं। और एवेपोरेशन स्टेप में से गुजारने से इसमें जितना मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसको क्रिस्टलाइजेशन स्टेप में से पास आउट करते हैं। तो रिफाइनिंग प्रोसेस का ये इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप जो है वो क्रिस्टलाइजेशन है, जिसमें हम उसको प्रॉपर क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्रोन करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर मॉइस्चर फ्री प्रॉपर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकी फर्दर क्योरिंग मीन्स इनको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि ड्राइंग करना, क्रिस्टल्स की ड्राइंग की ज़रूरत होती है, उसको ड्राइंग किया जाता है और इसको प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में लाया जाता है। एट द एंड मार्केट में शुगर प्रॉपर पैकिंग फॉर्म में अवेलेबल होती है। रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है एफिनेशन। अब एफिनेशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मोलेसिस आर रिमूव्ड। लास्ट लेक्चर में जब हमने रॉ शुगर मैन्युफैक्चरिंग की थी तो एट द एंड हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन हुई थी। एक हमारे पास प्रोडक्ट जो थे वो रॉ शुगर क्रिस्टल्स आए थे और मोलेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए थे। जो रॉ शुगर हमारे पास ऑब्टेन हुई थी उसमें हमने कहा था सुक्रोज कंटेंट्स आर अबाउट 97.8% और उसका कलर ब्राउन था। अब उसमें अभी भी सुक्रोज कंटेंट्स की क्वांटिटी कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मज़ीद रिफाइन करते हैं। दूसरा उसका ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर अभी भी उसमें मोलेसिस कंटेंट्स कुछ मौजूद हैं जिसकी वजह से ब्राउन कलर आ रहा होता है, या डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से ब्राउन कलर आ रहा है, तो इसीलिए हम शुगर को फर्दर क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं। अब एफिनेशन क्या है? एफिनेशन वो स्टेप है जिसमें हम रॉ शुगर क्रिस्टल्स में से जो मोलेसिस कंटेंट्स हैं, जो फिल्म ऑफ एडहेरिंग मोलेसिस है, उसको रिमूव आउट करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फिल्म ऑफ एडहेरिंग मोलेसिस इज रिमूव्ड फ्रॉम शुगर केन क्रिस्टल्स। अब हम देखते हैं कि इसमें से मोलेसिस को रिमूव आउट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम रॉ शुगर क्रिस्टल्स को जो है ट्रीट करवाते हैं एक सैचुरेटेड सिरप के साथ। ये एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा होता है, तो रॉ शुगर क्रिस्टल्स जो हैं उनको सैचुरेटेड सिरप के साथ ट्रीट करवाया जाता है। जैसे ही रॉ शुगर क्रिस्टल्स को सैचुरेटेड सिरप के अंदर डंप किया जाता है तो रॉ शुगर क्रिस्टल्स जो हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और कोटिंग ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो भी इसमें क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद इसकी स्पिनिंग करवाई जाती है और साथ साथ इसकी वॉशिंग भी की जाती है ताकि इसमें से जो कलरिंग मैटर है और कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो हैं वो रिमूव आउट हो जाएं। अब यहाँ पे जो रॉ शुगर क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे बल्कि वो क्या बन जाएंगे, वो लीकर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने रॉ शुगर क्रिस्टल्स को जैसे ही सैचुरेटेड सिरप के साथ ट्रीट करवाया तो रॉ शुगर क्रिस्टल्स जो हैं वो लीकर में कन्वर्ट हो गए। तो हमारे पास एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है जिसमें क्रिस्टल्स, रॉ शुगर क्रिस्टल्स भी हैं और इसके साथ साथ सिरप भी है। तो यहाँ पे जो रॉ शुगर क्रिस्टल्स हैं वो अब एफिनेटेड लीकर बन गया है। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से पास आउट करते हैं तो ये लीकर जो है टू फ्रैक्शंस में सेपरेट आउट होता है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने क्रिस्टल्स की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई थी, तो उसमें हमारे पास मोलेसिस कंटेंट्स जो थे वो एक सेपरेट पोर्शन में सेपरेट हो गए थे और जो सुक्रोज कंटेंट्स थे वो एक सेपरेट पोर्शन में सेपरेट हो गए थे। तो इसी तरह से जब हम इसको लीकर को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से पास आउट करते हैं एफिनिटी लीकर की, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो इम्प्योर सिरप है वो वन साइड सेपरेट आउट हो जाएगा और जो हमारे पास एफिनेटेड लीकर है वो अदर साइड जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना होता है कि जो कॉन्टैक्ट टाइम है बिटवीन वॉश वाटर एंड शुगर क्रिस्टल्स वो मिनिमम होना चाहिए, कि हम जो शुगर क्रिस्टल्स की स्टेप में वॉशिंग करवा रहे हैं उसको उसका कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो बहुत थोड़ा होना चाहिए ताकि कम से कम मॉइस्चर कंटेंट्स जो हैं वो इसमें हों। अब नेक्स्ट एफिनेशन के बाद जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वो है मेल्टिंग। अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर सिरप तो सेपरेट आउट हो गया, हम एफिनेटेड लीकर को फर्दर आगे ट्रीट करवाएंगे। तो एफिनेटेड लीकर को हम फर्दर मेल्टर में से पास आउट करते हैं। एफिनेटेड लीकर को जब हम डंप करते हैं मेल्टर में तो वहाँ पे क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में। नेक्स्ट हम क्लैरिफिकेशन प्रोसेस करवाते हैं। क्लैरिफिकेशन प्रोसेस को हम दो तरह से करवाते हैं। जिस तरह हमने एक्सट्रैक्टेड जूस की क्लैरिफिकेशन की थी वहाँ पे हम जूस की क्लैरिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम
जो लीकर है एफिनिटी लीकर, इसकी क्लैरिफिकेशन करवाएंगे। तो क्लैरिफिकेशन के लिए बेसिकली हम दो तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। एक आता है इसमें मैकेनिकल प्रोसेसेस, एक आता है इसमें केमिकल प्रोसेसेस। अब जब भी हम कोई केमिकल सब्सटेंस किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो हमें डिफरेंट पैरामीटर्स को भी कंट्रोल करना होता है, उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस को मेंटेन करना होता है। जैसा कि टेम्परेचर कंडीशंस को हमें मेंटेन करना पड़ता है, पीएच कंडीशन को हमें मेंटेन करना पड़ता है, इसी तरह से डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स को भी हमें साथ साथ कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हम अपने रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको बेटर कर सकें। तो यहाँ पे भी या उसको हम करवा सकें, तो यहाँ पे भी हम मैकेनिकल प्रोसेसेस में जो पैरामीटर को एडजस्ट करते हैं वो पीएच एडजस्टमेंट है। अब केमिकल प्रोसेसेस में जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, इसमें एक फ्रोथिंग क्लैरिफायर है, सेकंड इसमें कार्बोनेशन है, थर्ड इसमें सल्फाइटेशन है। अब फर्स्ट क्लैरिफिकेशन में जो हमारे पास एफिनेट्रिल लीकर आया था, जो मेल्टेड वॉश्ड रॉ शुगर्स थी, रॉ शुगर थी, उसको हम एफिनेटेड लीकर कहेंगे। इसको हम ट्रीट करवाते हैं मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से। अब मैकेनिकल प्रोसेस में क्या है, इसमें हम एडिशन करते हैं इनर्ट मटेरियल की और साथ साथ हम मिक्सचर की पीएच को एडजस्ट करते हैं ताकि हम क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकें। अब सुक्रोज कंटेंट्स के लिए हमें जो पीएच रेंज चाहिए होती है, अगर हम पीएच को 7 से बिलो रखें तो हमारे सुक्रोज क्रिस्टल्स जो बने हुए हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं टू रिड्यूस्ड शुगर, जैसा कि फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है। तो अगर हम पीएच जो है वो 7 से कम रखते हैं अपने इस प्रोसेस के दौरान, तो हमारे क्रिस्टल्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, मींस डिसॉल्व हो जाएंगे रिड्यूस्ड शुगर में, जो फ्रुक्टोज है या सुक्रोज है, जो फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है। अब जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, तो अगर हम पीएच 7 से बिलो कर देते हैं तो सुक्रोज सुक्रोज ही नहीं रहेगी बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज में। तो हमें पीएच को 7 से अबव रखना पड़ता है, अबव रखना पड़ता है। अगर हम पीएच को 9 से अबव कर दें तो फिर क्या होता है, फिर हमारी सुक्रोज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सुक्रोज जो है वो वैसे ही ब्रेक हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हमारी जो पीएच रेंज होती है क्लैरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो 7 to 9, मीन 7 to 9 के बिटवीन होनी चाहिए, ना 7 से कम हो ना 9 से ज़्यादा हो, तभी हम अपने प्रोसेस की क्लैरिफिकेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेसेस में हम 3 प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, नंबर 1 है फ्रॉथिंग क्लैरिफायर, नंबर 2 है कार्बोनेशन सिस्टम, नंबर 3 है सल्फाइटेशन। अब हम फर्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रोसेसेस फ्रॉथिंग क्लैरिफायर पे। फ्रॉथिंग क्लैरिफायर में हम ज़्यादातर अपने जो एफिनेटेड लीकर है उसको अब हम ट्रीट कराएंगे लाइम के साथ। जैसे ही हम इसमें लाइम को ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो उससे हमारे पास ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो इम्प्योर बबल्स हैं वो बनते हैं। मींस जैसे ही हम लाइम को एफिनेटेड लीकर के अंदर पास आउट करते हैं तो हम इसको नेक्स्ट हीट करते हैं। हीट से क्या होता है, हम उसको एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में जो लाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राई कैल्शियम, लाइम जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो हैं एजिटेशन की वजह से बबल्स बनाते हैं और अनट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे ये फॉस्फोरिक एसिड है, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को आपस में ट्रीट करवाया जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास Ca3PO4 ट्वाइस ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। ये अनट्रैप्ड बबल्स इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये अनट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट हो जाती हैं और साथ में इसमें वाटर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कार्बोनेशन सिस्टम। अब कार्बोनेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम इसी एफिनेटेड लीकर को फर्दर ट्रीटमेंट करवाते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसमें हम कोई एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करते बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली फ्लू गैस से इसमें ऐड हो जाती है। अब फ्लू गैसेस क्या हैं, फ्लू गैसेस बेसिकली कंबस्टन एग्जॉस्ट गैसेस हैं। जब हम इंडस्ट्रियल यूनिट शुगर मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं तो यहाँ पे हम हीट पर्पस के लिए या फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें कंबस्टन एग्जॉस्ट गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिनको हम फ्लू गैसेस कहते हैं। तो उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये
कार्बोनेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो ये एक्सेस लाइम को रिमूव आउट कर देती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और इसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि प्रेसिपिटेट्स हैं, इनको फिल्टर आउट कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी भी जो है वो सेपरेट आउट हो जाती है। फ्रोथिंग क्लैरिफायर में तकरीबन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ तो सेपरेट आउट होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ 25-45% जो है वो कलरिंग मैटर भी रिमूव आउट होता है। कार्बोनेशन सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योरिटीज़ रिमूव आउट होती हैं, लेकिन इसके साथ 60% जो है कलरिंग मैटर वो भी रिमूव आउट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सल्फाइटेशन में। तो सल्फाइटेशन में एडिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किया जाता है। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की एडिशन की जाती है तो एक्सेस लाइम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फाइड जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड जो है एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म सेपरेट आउट हो जाता है और वाटर बन जाता है। तो यहाँ जितनी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं और कुछ कलरिंग मैटर जो है वो भी रिमूव आउट हो जाता है, लेकिन 100% कलरिंग मैटर अभी भी रिमूव नहीं होता। इसको रिमूव करने के लिए फर्दर डिकलराइजेशन स्टेप जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर क्लैरिफिकेशन द लीकर ऑब्टेन इज क्लैरिफाइड लीकर। इस लीकर में अभी भी कलरिंग मैटर और कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। मेजर पोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाता है, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ और कलरिंग मैटर कुछ अभी बाकी है। इनको रिमूव आउट करने के लिए डीकलराइजेशन स्टेप फॉलो किया जाता है। अब इस स्टेप में क्या किया जाता है कि जो हमारा क्लैरिफाइड लीकर है उसको हम आफ्टर फिल्ट्रेशन गुजारते हैं डिकलराइजेशन स्टेप में से। तो लीकर ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन स्टेज इज रॉ लीकर। द क्लैरिफाइड लीकर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज एंड दीज इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एडसॉर्बेंट्स। कि जब हम इसको डिकलराइजेशन करवाना चाहते हैं तो हम डिफरेंट एडसॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से एडसॉर्बेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट इसमें इनमें से कोई भी एडसॉर्बेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्टिवेटेड कार्बन जिसको हम चारकोल कहते हैं, सेकेंड है बोन चार, थर्ड है आयन एक्सचेंज रेजंस, फोर्थ है केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे ये शुगर क्रिस्टल्स की डिकलराइजेशन के लिए ये चार तरह के एडसॉर्बेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। इन सब के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इनके बेनिफिट्स भी हैं। तो इनमें से कोई भी एडसॉर्बेंट को लेके हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके अपने क्रिस्टल्स को रिफाइन कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एडसॉर्बेंट द कलर्ड इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड एफिशिएंट। बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द एडसॉर्बेंट डी कलरिंग मैटर एंड इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड। तो फर्स्ट हम एडसॉर्बेंट एक्टिवेटेड कार्बन को देखते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन को हम एक्टिवेटेड चारकोल भी कहते हैं। अब एक्टिवेटेड कार्बन है क्या? बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की ही एक शक्ल है जिसका लो वॉल्यूम पोर्स होते हैं और इंक्रीज्ड सरफेस एरिया है। अब जिस भी किसी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज्ड होता है वहाँ पे एड्सॉर्प्शन रेट जो है वो बेटर होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन दैट हैव स्मॉल लो वॉल्यूम पोर्स दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन और केमिकल प्रोसेस। अगर हम इसको देखें, अपेयरेंस इसकी देखें, तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। नेक्स्ट एड्सॉर्बेंट है बोन चार। बोन चार जो है ये एक्टिवेटेड कार्बन से डिफरेंट है। एक्टिवेटेड कार्बन सिंपली कार्बन है, जबकि बोन चार जो है ये कार्बन के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट पे भी कंसिस्ट होता है। इसको भी अगर हम देखें तो इसका सरफेस एरिया हाई होता है एंड इट हैज द अबिलिटी टू अब्सॉर्ब कलर एंड रिमूव इनऑर्गेनिक ऐश इम्प्योरिटी। कि इसकी भी एबिलिटी है कि ये कलरिंग मैटर को भी रिमूव करता है और इनऑर्गेनिक ऐश इम्प्योरिटी जो है उसको भी रिमूव आउट करता है। अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगी। अब जो भी हमारा क्लैरिफाइड लीकर है उसको हम ट्रीट करवाते हैं या एक्टिवेटेड कार्बन से या बोन चार से, तो उससे क्या होता है, जो कलरिंग मैटर है वो रिमूव आउट हो जाता है, इनऑर्गेनिक ऐश इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव आउट हो जाती हैं और हमारे पास वाइट कलर क्रिस्टल्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयन एक्सचेंज रेजन। आयन एक्सचेंज रेजन जो हैं, या आपने क्रोमेटोग्राफी में पढ़े हैं,
दो तरह के होते हैं, ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। आयन एक्सचेंज रिएजेंट्स ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको सेपरेट आउट, मींस अमीनो एसिड्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो शुगर क्रिस्टल्स में सुक्रोज क्रिस्टल्स की डिकलराइजेशन में एनायनिक एक्सचेंज रिएजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव फ्री एसिड्स। अब ये जो एडसॉर्बेंट ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट है ऑफ बोन चार एंड एक्टिवेटेड कार्बन, मींस ये अगर हम प्रोसेस फॉलो करें तो ये एक्टिवेटेड कार्बन या बोन चार जो हम एडसॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं उनसे सुपीरियर है। अब सुपीरियर है तो इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि ये कॉस्टली है। हमें अपनी जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे होते हैं तो हम उसकी कॉस्ट को भी देखते हैं, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो जो चीज़ कॉस्टली होती है उसको हम प्रेफर नहीं करते। तो ये आयन एक्सचेंज रीजंस नो डाउट कि ये बेनिफिशियल ज़्यादा है लेकिन ये कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा एडसॉर्बेंट यूज़ होते हैं वो डिफरेंट केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, मतलब डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हुए हम कलरिंग मैटर को रिमूव आउट करते हैं। अब इसमें जो ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं हाइपोक्लोराइड्स हैं और सल्फाइड्स हैं। इस प्रोसेस को भी फॉलो करने का ड्रॉबैक है कि जो हम केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो कलर को चेंज कर देते हैं। तो ये भी प्रोसेस का जो एक ड्रॉबैक आ जाएगा। अब जब हमारी शुगर क्रिस्टल्स में से इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव आउट हो गई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव आउट हो गई, कलरिंग मटेरियल भी रिमूव आउट हो गया, तो अब हमारे पास जो लीकर ऑब्टेन होता है उसको हम फाइन लीकर कहते हैं। इस फाइन लीकर को हम फर्दर फाइनल रिफाइनिंग की तरफ ले जाते हैं और रिकवरी स्टेप की तरफ। आफ्टर डीकलराइजेशन हम जो फाइन लीकर है उसकी एवेपोरेशन करवाते हैं, और एवेपोरेशन करवाने से उसमें जितना मॉइस्चर कंटेंट है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट को हम रिमूव आउट करते हैं। एवेपोरेशन के बाद हम उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में से पास आउट करवाते हैं। अब ये क्रिस्टलाइजेशन स्टेप जो है ये रिफाइनिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास सुक्रोज क्रिस्टल्स आए हैं उनको सेपरेट आउट करवाते हैं जो एसोसिएटेड सिरप है। इसमें फाइन लीकर को हम कंसंट्रेट करते जाते हैं यहाँ तक कि हमारे पास सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाता है, और शुगर क्रिस्टल्स की जब प्रॉपर साइज क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं तो हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से पास आउट करते हैं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने जब रॉ शुगर क्रिस्टल्स बन गए थे तो हमने उनको सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से पास आउट किया था, जिससे हमारे सुक्रोज कंटेंट्स सेपरेट हो गए थे और जो मोलेसिस कंटेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे। तो यहाँ भी हम क्रिस्टल्स की फाइन क्रिस्टल्स की एसोसिएटेड सिरप से सेपरेशन करवाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फिलर्स यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी जो फाइन क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और एसोसिएटेड सिरप जो है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। अब हमारी यहाँ तक रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो लास्ट स्टेप आ जाता है क्रिस्टल्स की ड्राइंग, कि क्रिस्टल्स कि कुछ जो थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर कंटेंट रह गए हैं उनको हम ड्राइंग करवाते हैं। ड्राइंग के लिए भी डिफरेंट यूज़ किए जा सकते हैं, सिंपल उसकी ड्राइंग हो सकती है, उसके लिए वैक्यूम डेसिकेटर को यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट ओवन्स को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपली ड्राइंग को डिस्कस करते हैं कि जो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हुए उनकी फर्दर ड्राइंग करवाई जाती है ताकि मॉइस्चर कंटेंट्स रिमूव हो जाएँ, और अब ये क्रिस्टल्स बिल्कुल फाइन और रेडी हैं तो इनको हम पैकिंग की तरफ लेके जाते हैं। अब पैकिंग के लिए भी इसको कैटेगराइज किया जाता है कि किस किस ग्रेड की ये हमारी क्रिस्टल्स हैं। तो ग्रैनुलेटेड शुगर कंटेंट्स जो यहाँ पे हमारे पास होती है उसमें 99.93% सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रॉ शुगर मैन्युफैक्चर की थी तो उसमें हमने कहा था कि 97.8% सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं। जब हम इसको रिफाइनिंग प्रोसेस में से पास आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सुक्रोज कंटेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 99.93% सुक्रोज कंटेंट्स हम ऑब्टेन करते हैं और ये ग्रैनुलेटेड शुगर होती है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इस तरह की अपीयरेंस इसकी होगी और पैकिंग फॉर्म में ये इस तरह से अवेलेबल होती है। अब रिफाइनिंग प्रोसेस की हम एक फ्लोशीट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो रॉ शुगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद ऑब्टेन करते हैं अब उसकी रिफाइनिंग करवाई जाती है, तो रिफाइनिंग के लिए इसको फर्स्ट एफिनेशन स्टेप में से पास आउट किया जाता है, साथ ही इसको
आपको एक रिकवरी की तरफ एरो दिखाया गया है, ये एसोसिएटेड सिरप है, उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है ताकि जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो सैचुरेटेड क्रिस्टल्स बन जाएँ। अब वो सैचुरेटेड क्रिस्टल्स एफिनिशन लीकर कहलाता है, उस लीकर को हम क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में से पास आउट करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज। आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ये दिस लीकर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड लीकर। इस लीकर को डिकलराइजेशन स्टेप में से गुजारा जाता है ताकि जो कलरिंग मैटर, जो इम्प्योरिटीज बाकी रह गई हैं उनको भी रिमूव किया जा सके। तो डिकलराइजेशन के बाद जो हमारे पास लीकर ऑब्टेन होता है उसको हम फाइन लीकर कहते हैं। ये लीकर में कुछ मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं तो ये मॉइस्चर कंटेंट्स हम एवेपोरेशन के ज़रिए से रिमूव आउट कर देते हैं। तो हमारे पास अब फाइन सिरप आ गया है। इस फाइन सिरप की हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन के बाद इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में हमारे पास वाइट शुगर जो है वो ऑब्टेन होती है। जो सिरप बच जाता है वो नेक्स्ट आगे रिफाइंड सिरप जो है वो रिकवरी चेंबर की तरफ चला जाता है जिसमें मोलेसिस वगैरह भी होते हैं। तो इस तरह से ये एक साइक्लिक फॉर्म में रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे हमारी शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर केन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर बीट स्टार्ट करेंगे। तो शुगर इंडस्ट्री में बेसिकली दो इसके पार्ट्स थे, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर बीट। तो एक पार्ट इस इंडस्ट्री का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जितना हमने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, इसमें से क्वेश्चंस किस नेचर के आ सकते हैं। तो फर्स्ट है राइट डाउन द सोर्सेज फ्रॉम विच शुगर इज ऑब्टेन। इसमें जस्ट आप सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, शुगर केन है, शुगर बीट है, उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्वेश्चंस जो है एक्सटेंसिव नेचर के होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको आंसर देना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये भी आप इसके रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके सोर्सेज भी आ जाएंगे और केमिकल्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पे शुगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है तो इसमें आप कंप्लीट शुगर मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है हाउ जूस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन। ये क्वेश्चन टॉपिक लिमिटेड है तो यहाँ पे आप जस्ट जूस एक्सट्रैक्शन को ही एक्सप्लेन करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट विच स्टेप्स आर यूज्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड जूस फ्रॉम शुगर केन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन में से हम एक्सट्रैक्टेड जूस की क्लैरिफिकेशन किस तरह से करते हैं, कि जो शुगर केन जूस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी क्लैरिफिकेशन कैसे की जाती है। तो ये भी स्टेप्स हमने किए हैं तो ये भी लिमिटेड क्वेश्चन है, टॉपिक लिमिटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है डिस्कस द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो इसमें कंप्लीट रिफाइनरी प्रोसेस आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट है एक्सप्लेन शुगर इंडस्ट्री। अगर एक्सप्लेन शुगर इंडस्ट्री कंप्लीट, इसमें आपके सोर्सेज, जब भी कोई कंप्लीट इंडस्ट्री आती है तो उसमें हम उसके सोर्सेज भी बताते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स भी बताते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बताते हैं और एट द एंड हम उसकी फ्लोशीट डायग्राम लाजमी ड्रॉ करते हैं। जब भी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं या इंडस्ट्री पे हमें नोट आता है तो फ्लोशीट डायग्राम हमारी लाजमी होती है, या कोई भी स्टेप पूछा जाता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वहाँ भी हम फ्लोशीट डायग्राम लाजमी बनाएंगे। अगर रिफाइनरी प्रोसेस पूछा गया तो वहाँ भी फ्लोशीट डायग्राम जो है वो लाजमी बनेगी। ज़्यादा इसमें से आपको जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें से आपको कंप्लीट एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, कि आपको कंप्लीट इंडस्ट्री भी आ सकती है और इसमें सब पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये मैंने हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें से इस तरह भी आ सकता है कि सिंपल आपसे ये कहा जाए ड्रॉ फ्लोशीट डायग्राम फॉर शुगर इंडस्ट्री। तो आप जस्ट इसमें फ्लोशीट डायग्राम को ही ड्रॉ करेंगे, उसको प्रॉपरली लेबल करेंगे, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी जब ड्रॉ फ्लोशीट का वर्ड आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर बीट जो है वो स्टार्ट करेंगे।